नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी और गुटबाजी से जूझ रही बीजेपी ने आज अपने स्टार प्रचारकों की कारपेट बॉम्बिंग कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर निर्मला सीतारमन तक अलग अलग शहरों में प्रचार करते हुए नजर आए। योगी आदित्यनाथ ने मांडिया में रोड शो किया, फिर रैली किया और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण के जरिए कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। लोग मुझसे पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको इतना सम्मान जनता क्यों देती है। मैंने कहा जनता इसलिए देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार की सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन वहां पर मजबूती के साथ होता है। वहां पर सुरक्षा की गारंटी है, वहां पर समृद्धि की गारंटी है। नो कर्फ्यू, नो दंगा और वहां पर है सब चंगा। आप सोचिए, एक और डबल इंजन की सरकार जो पीएफआई पे बैन करती है, पीएफआई को बैन करती है, और दूसरी तरफ कांग्रेस जो पीएफआई को तुष्टीकरण करने का कार्य करती है, उन्हें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने का कार्य करती है, धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के संविधान के विपरीत है, असंवैधानिक है। धर्म के आधार पर 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। भारत धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत नहीं कर सकता है, अन्य विभाजन के लिए हम तैयार नहीं है। यह भारतीय जनता पार्टी का मानना है क्योंकि हम सब मानते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना ही भारत को आगे बढ़ाएगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज धारवाड़ में रैली को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? जातिपन मजहब के आधार पर देश को बांट डालना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, जो सच है बहनों भाइयों, हम वही कहेंगे और वही करेंगे। हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। उधर कांग्रेस की ओर से भी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चुनाव मैदान में थे। उन्होंने जमकर प्रचार किया और योगी आदित्यनाथ की बातों का जवाब भी दिया। इस देश में क्या आरक्षण नहीं थे? मंडल कमीशन नहीं था? स्टेट में हाउनूर कमीशन नहीं था? अरे आरक्षण तो सबसे पहले कर्नाटक ने दिया है, और आप उसको क्यों उछाल रहे हो, लोगों को क्यों भड़का रहे हो? ये तो भड़काने की बात है। अभी हमारे कोई दोस्त ने एक पूछा, कैसा करेंगे? अभी थोड़ी योजना जो बनाते हैं पहले ही कहते हैं, तो हम किस ढंग से करना करेंगे? और कानून के तहत वो बिठाना है, बिठाएंगे। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के बीजेपी के इस कारपेट बॉम्बिंग के ऊपर। निहाल, ये बीजेपी की एक स्टाइल है कि राज्यों में जाती है और दो दिन तीन दिन लगातार एक साथ सारे नेताओं को चुनाव मैदान में उतार दिया जाता है। आज भी सारे विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया गया है। पीएम मोदी भी जल्दी ही चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं। कल भी वो बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करेंगे। तो क्या बीजेपी को लगता है कि इस तरह से मेगा प्रचार करके जो मुद्दे उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी उठा रही है उनका जवाब दिया जा सकता है? देखिए, बीजेपी ने बहुत आक्रामक प्रचार की नीति अपनाई है और पिछले एक हफ्ते से या दस दिन से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल शांति थी। ये पता नहीं चल रहा था कि कौन सा कैंडिडेट
कहाँ पे है और किस तेजी से प्रचार कर रहा है। और इसी बीच में जब जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी का मामला सामने आया तो ऐसा लगा कि बीजेपी के लिए बहुत सारी समस्याएं एक साथ खड़ी हो गई हैं और ऐसे में डैमेज कंट्रोल भी करना था और अपना प्रेजेंस भी दिखाना था और इसीलिए बीजेपी ने कारपेट बॉम्बिंग की। यहाँ पे बड़े बड़े अपने नेताओं को उतारा, मुख्यमंत्रियों को उतारा, रक्षा मंत्री से लेकर के योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर कई सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रचार प्रसार करते नजर आए। लेकिन बीजेपी का जो सारा फोकस हमें दिख रहा है अभी वो ये कोशिश है कि लिंगायतों को मनाया जाए और ओल्ड मैसूरु रीजन जो है जहां 61 सीटें हैं, जो वक्कलिगा का घर है, वहां ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीती जाए। अमित शाह का भी फोकस वहां पर लगातार रहा है। आज देखिए जब योगी आदित्यनाथ ने अपना चुनाव प्रचार कर्नाटक में शुरू किया तो इसकी शुरुआत मंड्या से की जो को वक्कलिगा का घर है, और अमित शाह ने भी अपना चुनाव प्रचार प्रसार वहीं से किया था, मंड्या से किया था। और इसी इलाके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो भी कर चुके हैं, तो कुल मिलाकर के काफ़ी आक्रामक चुनाव प्रचार अभी बीजेपी की तरफ से देखने को मिल रहा है। और अब देखना है कि कांग्रेस इसका किस तरह से जवाब देती है। हालांकि प्रियंका गांधी यहां पे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी यहां पर हैं और जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं वो भी कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में दिख रहे हैं, लेकिन बीजेपी का जो चुनाव प्रचार था वो आज यहाँ पर चर्चा का विषय है, इसलिए कि कई सारे मुख्यमंत्री, कई सारे बड़े नेता, केंद्रीय नेता एक साथ कर्नाटक में कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखने को नजर आए। लेकिन निहाल, जो अभी भाषण हम सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, आपको याद होगा हमने कल रिपोर्ट भी किया था कि किस तरह से बीजेपी की जो रणनीति है कर्नाटक को लेकर बदली है और बीजेपी अब मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा हो या PFI पर बैन की बात हो, इन तमाम मुद्दों को उठाने जा रही है। और योगी आदित्यनाथ के भाषण में दोनों ही बातों का जिक्र था, तो एक तरह से जो हिंदुत्व का मुद्दा है या कहें कि ध्रुवीकरण का प्रयास बीजेपी वो भी करती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सीधा, आप देखिए कि मंडिया में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने PFI से लेकर के मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे को उठाया तो उससे बिल्कुल साफ था कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की शुरुआत और उसकी जो लाइन थी बिल्कुल साफ थी कि इसी आधार पर चुनाव इस बार लड़ा जाएगा यहाँ पे। और लेकिन एक जो चौंकाने वाली बात है वो मैं बताना चाहूँगा कि मंडिया में जहाँ पर योगी आदित्यनाथ का भाषण हो रहा था, रोड शो चल रहा था, उससे 30 किलोमीटर दूर श्रीरंगपटना है जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो टीपू का भी एक नैरेटिव यहाँ पर सेट हो रहा था, टीपू बनाम सावरकर, लेकिन इस बारे में योगी आदित्यनाथ ने कुछ भी नहीं कहा। तो पता नहीं क्यों बीजेपी इस मामले को नहीं उठा रही है, जबकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले काफ़ी बड़े पैमाने पर यह मामला उठा था, काफ़ी इसको लेकर के सांप्रदायिक तनाव भी यहां पर हुआ था। तो कम से कम ये मामला अभी फिलहाल पीछे हटता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद पूरे भाषण में योगी आदित्यनाथ का जो पूरा फोकस था वो PFI पर था। जैसा कि आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, PFI और 4% जो मुस्लिम आरक्षण ख़त्म किया गया है और ये वक्कलिगा और लिंगायतों को दिया गया है, इसी के इर्द गिर्द उन्होंने अपने भाषण को रखा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटका उनके लिए अहम इसलिए भी है कि कर्नाटका बजरंग बली की जन्मभूमि मानी जाती है, तो राम जी की जन्मभूमि अयोध्या है और इसलिए दोनों के बीच में वो एक सेतु का काम कर रहे हैं। तो कुल मिला करके यहाँ पर जो आप कह रहे हैं उसी के इर्द गिर्द, यानी PFI के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, 4% आरक्षण का जो मामला है, और ये आरक्षण का मामला सिर्फ उन्होंने ही नहीं उठाया, जो दूसरे नेता यहाँ पर हैं वो भी उसी मामले पर उसी के इर्द गिर्द अपनी बातचीत को रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक सवाल जो है जगदीश शेट्टार को लेकर भी है निहाल किदवे, ऐसा लगता है कि बीजेपी की दुखती रग है जगदीश शेट्टार और इसीलिए तमाम जो नेता है उनका फोकस शेट्टार के ऊपर भी काफी ज्यादा है। येदियुरप्पा तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि शेट्टार हारेंगे, तो सारे चुनाव को छोड़ करके ऐसा लगता है कि कई बड़े नेताओं को सिर्फ शेट्टार के पीछे लगा दिया गया है, तो क्या कहीं ये उल्टा ना पड़ जाए बीजेपी को? देखिए, शेट्टार बहुत ही कद्दावर नेता है, आप उनको इतने सालों से आप भी कवर करते रहे हैं, दिल्ली में भी आपने कवर किया है, तो कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है कर्नाटका में, जैसे येदियुरप्पा जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी शिकारीपुरा, शेट्टार साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी हुबली धारवार मध्य, कुछ ऐसे नेता हैं सभी पार्टियों में जिनके लिए पार्टी और जो है उससे कहीं ज़्यादा उनका जो व्यक्तित्व है वो इम्पॉर्टेंट है। येदियुरप्पा को सभी वर्गों, सभी धर्मों का समर्थन मिलता है, उसी तरीके से शेट्टार को भी सभी वर्गों और सभी धर्मों का समर्थन मिलता है। जैसे ही शेट्टार कांग्रेस में गए, हमने देखा कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के जितने लोग हैं, जितने भी धार्मिक नेता हैं, सब उनसे मिलने के लिए गए, सब उनके साथ खड़े हुए, और शायद इसीलिए जगदीश शेट्टार ये कह रहे हैं कि उनकी जो अपनी पकड़ है, उनकी जो अपनी पहचान है, वो उनको जीतने में मदद करेगी। लेकिन
येदियुरप्पा के साथ साथ बीजेपी के नेतृत्व को बिल्कुल ये साफ है कि जिस तरह से शेट्टान नाराज़ है, जिस तरह से लक्ष्मण सावदी नाराज़ है, तो इससे लिंगायतों में कहीं ना कहीं नाराज़गी ज़रूर है। और इसीलिए काफ़ी कल का हेक्टिक शेड्यूल था येदियुरप्पा का। इसके बावजूद येदियुरप्पा ने जो कम्युनिटी लीडर्स हैं इसके लिंगायत समाज के, उनके साथ बैठक की, लंबी बैठक की, सबसे भरोसा लिया, सबसे वादा करवाया कि सब सारे एक साथ मिलकर के शेट्टान को हराएंगे। तो निश्चित तौर पर अगर सिर्फ फोकस शेट्टान पर जाता है तो बाकी विधानसभा चुनावों में इसका असर तो पड़ेगा। और देखिए, सिर्फ जगदीश शेट्टार की वजह से येदियुरप्पा पिछले दो दिनों से हुबली धारवाड़ में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाने वाले हैं, अमित शाह वहां पर गए, और अमित शाह जब वहां पर गए तो एक तरह से बीजेपी के नेताओं को भी कहीं ना कहीं उनकी कमी जगदीश शेट्टार की खली, क्योंकि पिछले तीन दशकों से जब कभी भी वहां चुनाव प्रचार के लिए जाते थे तो शेट्टार जरूर मंच पर मौजूद होते थे, सबसे कद्दावर बड़े नेता थे। लेकिन इस बार कोई बड़ा लिंगायत नेता वहां पर नहीं था और इसकी कमी उनको जरूर खलती हुई नजर आई, और इसीलिए येदियुरप्पा ने डैमेज कंट्रोल शुरू किया उसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जहां एक तरफ बीजेपी का मेगा चुनाव प्रचार अभियान, तो वहीं जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा भी कर्नाटक के चुनाव मैदान में उतरी हुई है। उन्होंने आज कई रोड शो किए, कई रैलियां की, और प्रियंका आज मैसूरू में डोसा बनाती हुई भी दिखाई दी। शिंगरी में शारदा देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना भी की प्रियंका ने, और साथ ही वहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव सच्चाई और सत्य के बीच का संघर्ष है। और ये जो चुनाव है कर्नाटका का, ये भी एक सच्चाई और सत्य का संघर्ष ही है। आज सुबह मैं मैसूरु में मैलारी होटल में गई, आप जानते हैं, और मैंने देखा कर्नाटका का स्वाभिमान, कर्नाटका की मेहनत का मिसाल। जिसका होटल है उन्होंने मुझे बताया कि उनके पिताजी ने ये काम शुरू किया था। बहुत गर्व से मुझे रसोई में ले गए और मुझे भी डोसा बनाना सिखाया। और बात कर लेते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल की, जिसने आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। कैबिनेट ने देश भर में 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने को मंजूरी दी है। ये नर्सिंग कॉलेज देश में मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के साथ ही खोले जाएंगे, ताकि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेबोरेटरीज है, क्लिनिकल सुविधाएं हैं और फैकल्टी है, उनका अधिकतम उपयोग किया जा सके। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन 157 कॉलेजों में 15,700 सीटें होंगी। ये नर्सिंग कॉलेज 2027 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा मेडिकल डिवाइस सेक्टर के लिए भी एक नीति को मंजूरी दी गई है। इससे सेक्टर में अगले 5 साल में $11 अरब से बढ़कर $50 अरब होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये निर्णय है देश में 157 न्यू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए। एक नर्सिंग कॉलेज के लिए जहां मेडिकल कॉलेज है वहां ही 10 करोड़ रुपया के सहयोग से एक नर्सिंग कॉलेज बनाई जाएगी। पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड 30 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से आज एक खास सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस कार्यक्रम में सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम के 99 एपिसोड हो चुके हैं, लेकिन एक राजनेता होकर भी उन्होंने कहीं भी राजनीति की बात नहीं की। मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य यह भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। मोदी जी किसी भी माध्यम से संवाद करते, वो संवाद जन जन तक पहुंचना ही पहुंचना था, क्योंकि इनकी लोकप्रियता ऐसी है,
उनका दृष्टिकोण ऐसा है कि बात को जनता तक पहुंचनी ही थी, परंतु मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रधानमंत्री जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने आकाशवाणी को माध्यम बनाया और हमारा 6 दशकों से जो संवाद का माध्यम था वो आकाशवाणी को आज नई युवा पीढ़ी के साथ जोड़ने का काम करा और हर गांव के हर अंचल में हर मोहल्ले तक इस संवाद को पहुंचाने का काम किया। मित्रों, एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम जो लोकतंत्र की नींव पर खड़ा है, लोकतंत्र की प्रमुख एस्पेक्ट जो है उसमें से एक एस्पेक्ट है जनता और नेता के बीच में संवाद। ये संवाद जितना मजबूत होता है लोकतंत्र की नींव इतनी ही मजबूत होती है। पहला एपिसोड 19 मिनट का था, दूसरा 14 मिनट का था, दूसरा 19 मिनट का था, तीसरा एपिसोड 26 मिनट का था और तब तक पता चल गया था कि देश कितनी उत्सुकता के साथ इसको सुनने के लिए व्याकुल रहता है कि कब मोदी जी हर महीने के अंतिम रविवार को आकर देश से मन की बात करेंगे। तो 14 मिनट से बढ़कर ये 30 मिनट का हो गया और 99 एपिसोड हो चुकी हैं और इसी महीने की 30 तारीख को सेंचुरी लगाने का काम भी हो जाएगा। तो हर टॉपिक में इतना ही, नमस्कार।